भगवान आज क्या होगा? सबके सामने सब लोग सगाई के बारे में पूछेंगे। अब तक तो पूरे कॉलेज को खबर हो गई होगी। रचना, तुम कॉलेज जा रही हो? जी। कोई जरूरत नहीं है रचना, ना पढ़ाई में मन लगेगा ना किसी और चीज में। ऊपर से लोगों के ताने सुनकर मन जलेगा वो अलग। हाय रचना, रेडी हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। लेकिन वो चलो छाया, आज अकेले अकेले कहाँ? तुम्हारी वो प्यारी सी बहन कहाँ है? मेरी फियांसे। अब ये मत बोलना कि वो रेडी नहीं हो। तुम लड़कियां भी ना बहुत देर लगाती हो रेडी होने में। अच्छा सुनो, एक फेवर कर दो, जरा गुंजन को बुला दोगी प्लीज? रचना, हमें देर हो रही है, चलो। अरे संगीता, कहाँ जा रही हो? खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? चलो। कौन है? अरे कौन सुबह सुबह मोटरसाइकिल की पे किए जा रहा है? इसके ये मजाल, हम अभी आते हैं। अरे कुछ शर्म बाकी है कि नहीं तुझमें? नमस्ते बुआ जी, कमोन हरिया, तब से इंतजार कर रहा हूँ यार। चलो ना यार, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? चलो। अगर कोई और लड़की होती है ना तो आज के दिन कॉलेज नहीं जाती, पर नहीं, ये महारानी जरूर जाएगी ताकि वहां सबके सामने तमाशा कर सके। छी, इतने बड़े घर का लड़का जो फंसाया। आइए मेरी एक हफ्ते की फियांसे, क्या वो भूल तो नहीं गई? That we are engaged. बेशक एक हफ्ते के लिए सही। ये सब क्या बकवास है विहान? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। क्या? नहीं। हम जानते हैं रचना, सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन छाया, तुम ये सब सीख हमें क्यों दे रही हो? हम उदास या डरे हुए लग रहे हैं। हम एकदम ठीक है छाया। कसके पकड़ो ना यार, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। हमें समझ नहीं आता कि आप उसको वापस लेकर आए क्यों? और एक मयंक जी है जो सारा दिन गुंजन गुंजन करते रहते। बहुत हुआ चारू, ये क्या पति पत्नी लगा रखा है? एक बात सुन लो, हमारी शादी जबरदस्ती हुई, ओके? और उससे भी जरूरी बात ये कि मैं इस शादी को नहीं मानता। पर तुमने विहान को उससे दूर क्यों नहीं रखा? तुम नहीं जानती ये बड़े शहर की लड़कियां बड़ी चालाक होती है। छोड़ो ना ये सब, कुछ और बात करते। आज सर को देखा, लाल कोट नीली टाई, अच्छे लग रहे थे ना? हाय एवरीवन, गाइस, आई हैव गॉट एंगेज्ड, मीट माय फियांसे गुंजन। एनीवेज, यू गाइस एंजॉय। छोटू इधर आना, इन लड़कियों का खास ध्यान रख, आफ्टर ऑल मेरी आधी घरवाली हैं, सालियां हैं मेरी, ओके? विहान, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक भारतीय लड़की हूँ, ऐसे सबके सामने इतनी शर्म तो है मुझ में। और वैसे भी हमारा प्यार इतना कमजोर कहाँ है कि उसे ऐसे सबके सामने प्रूव करना पड़े, दिखावा करना पड़े। डियर कुंचन, विहान से बचकर है ना, मैं बेशक उसका दोस्त हूँ लेकिन इस काम में उसका साथ नहीं दे सकता। ये फोटोज सबको शॉक करने के लिए ली गई थी। जी मैं इंडिया। ये पेपर कहाँ से मिला तुम? हमें रचना दीदी के कमरे से मिला, वहाँ और बहुत सारे हैं, हम लेकर आते हैं। गुंजन कुछ पता नहीं लेकिन क्यों? उसकी चुप्पी के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है।